हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मल्टी रोज लाइफ। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे लहसुन का अचार बनाने की रेसिपी। साथियों, हम इस चैनल में आपके लिए आयुर्वेदिक और घरेलू उपाय लेकर आते हैं और हम जो भी जानकारियां और नुस्खे आपको बताते हैं वे पूरी रिसर्च और एक्सपर्ट्स की राय से होते हैं, ताकि आप हमेशा स्वस्थ और खुशहाल रहें। यदि आप चाहते हैं कि हेल्थ से रिलेटेड जानकारियां आप तक पहुंचती रहें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। साथियों, आयुर्वेद में लहसुन के फायदे ही फायदे बताए गए हैं, इसलिए लहसुन का अचार टेस्टी होने के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। आयुर्वेद के अनुसार लहसुन शरीर में गर्मी को बनाए रखता है, इसीलिए इसका प्रयोग शीतकाल में अधिक से अधिक करना चाहिए। दोस्तों, जो व्यक्ति नियमित रूप से लहसुन का सेवन करते हैं, उनको बहुत सी शारीरिक बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, लहसुन के ये गुण देखते हुए अब आप देर न लगाएं और झटपट लहसुन का अचार बनाएं। साथ ही दोस्तों, आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि लहसुन का अचार बनाना बेहद ही आसान है। सबसे पहले आपको बताते हैं लहसुन का अचार बनाने में किन किन सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले लेनी है लहसुन की कली छिली हुई लगभग 250 ग्राम। उसके बाद 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, भुना मेथी दाना 1.5 चम्मच लेना है। उसके बाद भुना जीरा पाउडर 1 चम्मच, 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच कलौंजी और नमक अपने स्वाद अनुसार। और दोस्तों, 250 ml लगभग सरसों का तेल लेना है। अब दोस्तों, लहसुन का अचार बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में पानी भरकर गरम कर लें। जब ये गरम हो जाए तो इसमें लहसुन की कलियां डालकर 10 मिनट के लिए छोड़ दें। 10 मिनट बाद इन्हें पानी से निकालकर 3-4 घंटे के लिए छोड़ दें, ताकि इनका सारा पानी सूख जाए। अब दोस्तों, इसके बाद तेल गरम करेंगे। जब तेल में धुआं उठने लगे तो दोस्तों गैस को बंद कर दें और तेल ठंडा होने दें। और दोस्तों, जब ये ठंडा हो जाए तो इनमें वो सारे मसाले डाल दें जो हमने आपको बताए हैं, और फिर 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। 10 मिनट बाद आप इसमें लहसुन की सारी कलियां डाल दें और अच्छे से मिलाएं। दोस्तों, मिलाने के बाद इसको एक जार में भरकर 7 दिन तक के लिए धूप में रख दें, और फिर दिन में इसको 2 बार अच्छे से हिलाना है। साथियों, 1 सप्ताह बाद आपका लहसुन का अचार खाने के लिए तैयार है। अब आप इसे किसी कंटेनर में भरकर रख सकते हैं और जब आपका मन करे जब इसका सेवन कर सकते हैं। तो साथियों, हमें पूरी उम्मीद है हमारे द्वारा बताई गई ये रेसिपी आपको लहसुन का चटपटा अचार बनाने में बेहद फायदेमंद होगी। हम ऐसी रेसिपीज और हेल्थ से जुड़ी जानकारियां आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। आपसे फिर से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा औरों तक शेयर करें। बाय, टेक केयर, बी हैप्पी। धन्यवाद।